गुणन पिला माने तमर एन शर्त एन एज शर्त पिला इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट तो आज देखिबा हमर वाट मीटर तो हमें मन पकाओ आम डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट पढ़ी ऑलरेडी तो मुझे कही आम जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ुचे से हूँ कंस्ट्रक्शनली तार नेमिंग करा जाइछि तमर आम से इंस्ट्रूमेंट से जो कंस्ट्रक्शन यूज करी आम वोल्ट मीटर तैयारी मीटर तैयारी वाट मीटर तैयारी जहाँ भी चाहे आम तैयारी पार कि किसी कंस्ट्रक्शन आम स्पेसीफाई करदे जे आम ये कंस्ट्रक्शन यही इंस्ट्रूमेंट आम किसी जगह अच्छे है तमर आज पर वाट मीटर पढ़ा तो वाट मीटर हूँ आम से डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो तारी गोटे भारियंट है देखिए कौन आम से चेंज कले बुझे आम से डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट को आम वोल्ट मीटर यूज करपर एमीटर यूज करपर एंड अल्सो आम यूज करपर आज ए वाट मीटर किंतु आम ऑलरेडी आम पीएमसी पढ़ीचे एम आई पढ़ीचे बुझेगा तो से जो कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट गुड़ा से गुड़ा आम नर्माली आम यूज करूँ फर आमीटर एंड वोल्ट मीटर कि डायनामोमीटर भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करूँ टू कंस्ट्रक्ट द वाट मीटर नर्माली बुझेगा तुम तो लिखुच वाट मीटर मीन तुम जानवे ये आम तर आम ना आगे कहीपर डायनामोमीटर वाट मीटर है वाट मीटर आर कहपर टू मेजर द पावर है देख जो पढ़ी आम जो पढ़ी अबाउट डायनामोमीटर डायनामिक इंस्ट्रूमेंट से खाली तो कौन टर्क इक्वेशन लिखी है कि आम दरकार पड़ी टर्क इक्वेशन तार टे एक्सप्रेशन फाइंड करवा है अच्छा देख आमर जमी आम जमी कन्वेंशनल यूज को ड्र कर ड्र करवा किसी असुविधा ना तुम स्पिंडल दिशन इज दिशन स्पिंडल समस्त बुझ टे आम मुझे ड्र कर डायनामोमीटर वाटमेट डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट तो से आम कौन चेंज कले आम से यूज करपर आज ए वोल्टमीटर आज ए एमीटर एंड आज ए वाटमीटर है तमर डायनामोमीटर यहाँ डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट एट मझे गोटे एल्युमिनियम फॉइल लगी एल्युमिनियम फॉइल से कपर कॉइल गुड़ा ये कपर वाइंडिंग कपर कॉइल को कपर वाइंडिंग्स हेला देन दिस स्प्रिंग कंट्रोल हियर आल्सो अनदर हेला एंड हियर वी यूज द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ओके तुम ड्र कर बुझीज ओके हियर वन फिक्स्ड कॉइल फिक्स कर दीटा हाफ हम कौन करते दीटा कर दीटा हाफ करते देखो आमे जो ड्र आमे जो बॉडी थे अबाउट अबाउट डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से एमती था तमें कौन एट फिक्स कॉइल एटा रोच मूविंग कॉइल है स्पिंडल एंड द पॉइंटर इज कनेक्टेड हियर लाइक दिस ओके पॉइंटर तो आमर ये जो फिक्स कॉइल आउ मूविंग कॉइल आउ केमिल लागिछि इन सीरीज तमने आमर ये जो करंट जीव दिस करंट विल फ्लो इन दिस फिक्स कॉइल हाफ देन हियर आल्सो आई अगेन आई देन आई विल फ्लो थ्रू दिस कंट्रोल कॉइल अगेन टू दिस कॉपर कॉइल अगेन दिस कंट्रोल कॉइल अगेन अगेन द करंट विल लीव दिस व्हाट द कंट्रोलिंग कॉइल हेला तो आम यही केस आम यही पढ़ी आम पढ़ी द कनेक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉइल एंड द मूविंग कॉइल इन सीरीज मैनर आम जदि सीरीज मैनर कनेक्शन करवा आम टाइप कनेक्शन में आम आपको यूज करपर आज ए वोल्ट मीटर और ए एमीटर आम कहपर बाय दिस टाइप ऑफ कनेक्शन बाय दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द डायनामो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज वोल्टमीटर और
एमिटर हैला किंतु आमे जदि ए फिक्स्ड कॉइल आउ ए जो मूविंग कॉइल को आमे लगेबा इन पैरेलल जदि बोथ बोथ कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर देन वी विल यूज दैट कंस्ट्रक्शन दैट मैनर कंस्ट्रक्शन आज ए वाट मीटर ओके आम से आम जो तो हमरा टॉपिक हो वाट मीटर तो हम से ड्रॉ करबा हैला तो केमित कर फ्यूज कॉइल टा हम लागिव सीरीज लागिव एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर Here, the load V okay confusion of any tamar kahla amara amar eta lagila eta amar I flow la eta amar flow hobo I1 ta mane dekha amara joda amara ei jo current flow hochi ei ta kon parallel lagichi हाँ कि नहीं ए जो कंट्रोलिंग कॉइल एंड द मूविंग कॉइल आर आर इन सीरीज एंड हम कौन सप्लाई हम कौन दे हम सप्लाई दे टू दिस हब दे सेटन कौन सप्लाई टाइम दे आसीबो करंट आम कोड जीवो टू दिस कॉपर कॉइल जीवो कॉपर कॉइल हम कौन करंट जीवो टू द सेकंड हाफ द कंट्रोलिंग कॉइल एगन हम करंट लीक हे जीवो हम एटा आसीबो त एटा बरा हो आई एंड दिस वन इज आई 1 एंड दिस वन आई एंड दिस करंट इज आई 2 हैला तामने एठामे कोन नै छे आमे एठी फिक्स्ड कॉइल ल करन नै छे आई 1 एंड द प्रेशर कॉइल और द पैरेलल कनेक्टेड कॉइल ल आमे करन नै छे आई 2 हम कहि परबा आई 1 प्लस आई 2 इज इक्वल टू आई बुझला आई 1 प्लस आई 2 इज इक्वल टू आई हला एटा एटा हमर आई 1 दिस वन इज आई 1 और हम कहि परबा आई 1 कोन आई 1 द सीरीज कॉइल करंट और लोड करंट एटा कथा हैला हमर का देखो आई 1 हमर कोन हमर लोड फ्लो छ ना त हम आकु भी लोड करंट भी कहि परबा एटा हमर आई 1 कहि परबा और एटा हमर आई एल ला कहि परबा हैला सेम त हमर आई 2 कोन हमर आई 2 होउची द करंट फ्लोज थ्रू द प्रेशर कॉइल हैला तो एटी आम टे टॉर्क इक्वेशन फाइंड करिबा तापर तापर हम बुझिबा एबार दो वाट मीटर हैला कौन आम कही पार एटा वन टाइप एम आई इंस्ट्रुमेंट रे मॉडिफाई वर्जन करें आम एम आई इंस्ट्रुमेंट जो टॉर्क इक्वेशन फाइंड करते से टॉर्क इक्वेशन रु आम एक्सपांड कर फाइंड करवा द टॉर्क इक्वेशन फॉर दिस कौन डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रुमेंट है लिखुचे ये छोट कर दूसरी सीरीज कॉइल and this one is V supply and this one is parallel okay now see amra dekha amra jane che the torque equation for MI instrument is T equal to half I square dl by d theta हैला आई कहले कौन आमर आई कहले आमर मेन इंस्ट्रुमेंट दीटा कॉइल थिला तो दीटा कॉइल रो आमर करंट करंट दीटा कॉइल आमर कौन समान थिला तनो आई डॉट आई इक्वल आई स्क्वायर हैला बट हियर हियर द इंडक्टेंस इज एल इक्विवेलेंट आमर से आमर एठी कोन आमर जेतु आमर आमे लगे छे पैरेलल लगे छे
तो पैरेलल ले आमे फाइंड करबा एल इक्विवेलेंट नॉट नॉट द ओनली एल एल इक्विवेलेंट करे कोन हमरा एल1 प्लस एल2 प्लस 2m हैला तोर एम कोन एम आर होता म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल एल1 होची हमरा एल1 होची एटा हमरा आई1 एटा आई2 एल1 कहले द इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉइल और हम कह फिर तो फिक्स्ड कॉइल एल2 कहले द इंडक्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल और द हमरा द पैरेलल कॉइल एंड एम कॉइल द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल हैला अच्छा तम कोन करबा आकु पुट करबे एट पुट करबा तम कोन होबो टी एटा हमर पर टी एम आई पई एटा हमर टी ई एम एम सी एम कह परबा और हमें डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट पर भी कह परबा हाफ देखो हमर कह छ आई स्क्वायर छि जेतु हमर एठी दीटा करना हमर अलग अलग आई1 आई2 हमें परबा आई1 डॉट आई2 ओके देन डी एल इक्विवेलेंट बाय डी थीटा तो कोन लिखबा हाफ आई1 डॉट I2 L को लगा के दे हमारे L लिखवा ने कहले L1 L2 plus 2M D L1 L2 plus 2M by by D theta ओके अच्छा हमारा MI instrument रे बुझे ना हमारा MI instrument रे हमारे कौन हो ची सेठी हमारा ये दिता inductance हमारा हो चुकी more effective with respect to the mutual inductance किंतु आम ट्रांसफर्मर रे कोन आम ट्रांसफर्मर रे आम म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस होजी मोर इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू आमर द सेल्फ इंडक्टेंस हैला तो आमर ईएमएमसी रे कोड हमरा हो इफेक्टिव द म्यूचुअल इंडक्टेंस ओनली आमर म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मोर इफेक्टिव देन द सेल्फ इंडक्टेंस त माने हम एटी कह हम कहि परबा आम सेल्फ इंडक्टेंस हमर होची वेरी वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस हैला तामना में एल1 एल2 लमेटी एटी हमें कोन कर पर नेग्लेक्ट करी परबा बुझले को सेटा देखो सेटा मेटी इन ईएमएमसी द म्यूचुअल इंडक्टेंस हैज More effect than self inductance. Hello. So we can neglect the self inductance. Okay. तो कौन लिख परिवार टी ई एम एम सी इज इक्वल टू व्हाट हाफ आई वन डॉट आई टू डी टू एम बाई डी थीटा तो टू टू कैंसिल हो गला हम रहले कहते आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा जोटा में ऑलरेडी हम एटा ई एम एम सी कर और आपको हमें डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट भी कह परिवार डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट भी कह परिवार दिस इज द टॉर्क इक्वेशन फॉर ईएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट और द डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हैला अच्छा तो हमरा एठी हमर कोन होची हमर पावर डिफरेंट पावर होची एसी पावर होची डीसी पावर होची हैला जे तमे हमें कहू जे अबाउट द वाट मीटर तो वाट मीटर हमर पावर माने हमर डीसी पर मेजर करि परिबा और हमें एसी पर भी मेजर करि परिबा तो हमें एफ फाइंड करिबा हमर एक्सप्रेशन फॉर द वाट मीटर हैला त हमर एटा होची हमर एटा होची तो टोटल द टॉर्क इक्वेशन फॉर ए डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट एबे फाइंड करबा द टॉर्क इक्वेशन फॉर ए वाट मीटर हैला अच्छा देखो एठी हमरा हमनाबा आई1 हमरा थेला आई एम sin थीटा और sin ओमेगा टेम लिख परे की समस्या नहीं sin थीटा और sin ओमेगा टेम लिख परिबा तो आई वन कौन हम आई वन फेस टाइम कौन हम आई टू कौन हम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव फाइव मैंने कौन हम फाइव हूँ द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन आई वन आई टू आम अलरेडी आम कौन आम देखी जाचे कहीं इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कॉइल एंड और द सीरीज कॉइल इज नॉट सेम सो व्हाट हैपेंड सो देयर इज सम फेज एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू जब आई वन था आई एम साइन ओमेगा टी तो हमारा आई टू मान आई टू मैंने कौन आई टू इज करेन्ट फ्लोइंग थ्रू द
मूविंग करे ता माने मूविंग करे इंडक्टेंस हमर होची इज मोर विद रिस्पेक्ट टू द आई 1 हला किंतु मु कहि पर आर्टिक लास्ट कहिबी हमर कोन होची हमर इंडक्टेंस भले मूविंग कॉइल सीरीज पैरेलल कॉइल ल आउच अधिका विद रिस्पेक्ट टू द सीरीज कॉइल किंतु हमर कोन होची हमर ए फिक्स्ड कॉइल ल रेजिस्टेंस होची कम विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स मूविंग कॉइल ओके तो एबे देखो को करबे एबे हम को करबा आई वाला आई टू आई पुट करबा तब कोन नंबर टी टी ई हमें वाट मीटर कोन नंबर टी डब्ल्यू वाट मीटर कोन हबो आई 1 sin ओमेगा टी डॉट आई 2 sin ओमेगा टी माइनस फाई डॉट डीएम बाय डी थीटा हैला तो हमें एबे फाइंड करबा तो एवरेज टॉर्क द एवरेज टॉर्क हम केते आसुची बुझला एवरेज टॉर्क द टॉर्क एवरेज इन वाट मीटर तो हमर एवरेज कोन हमर कोन जेतु हमें नीचे एज साइनसोइडल तो साइनसोइडल हमर हमर वन टाइम पे आसीबो 2 पाई हां कि नहीं हमर दिस इज ए साइनसोइडल गो है साइनसोइडल केता आसीबो हमर नॉर्मल हमर कोन होय नॉर्मल हमर 2 पाई आसुची तो वन टाइम पीरियड तो हमें टाइम पीरियड 2 पाई नबा तो फाइंड करतर एवरेज वैल्यू तो टी एवरेज ऑफ वाट मीटर इज इक्वल केता हबो 1 बाय टी एरर फार्मूला फार्मूला जको 1 बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी देन दिस वन आई वन साइन ओमेगा टी डॉट आई टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डीएम बाई डी थीटा इंटू डी ओमेगा टी ओके सर आई एम वन आई एम टू भूल गला आई एम वन मैक्सिमम ना एटा मैक्सिमम करंट ना एटा हमरा आई एम टू ओके एटा आई एम वन देन आई एम टू तबे देखम कोन करबा टी कले 2 पाए तो 1 बाय 2 पाए रहला तो आई एम वन आई एम टू एंड डी एम डी थीटा आज आर कांस्टेंट्स तो बाहर ने आसु छी आई एम वन डॉट आई एम टू डिवाइडेड बाय 2 पाए रहला ठीक अछि डिवाइड बाय किछ नहीं इनटू dm by d theta amar kira integration bitare 0 to t sin omega t dot sin omega t minus pi okay and d omega t to rahila ebe dekho amar eta kon achi sin a dot amar kon dekhba sin a dot sin b okay साइन ए डट साइन बी फर्मुला आम कौन आसो आम आपको आम कमी कह इंटीग्रेशन करवाक पकेबा कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी टू इंटू कह के आसो आम ये आसो है तो मुझे कौन टू मल्टीप्लाई कर टू में डिफरेंस डिवाइड कर आई एम वन आई एम टू बाई टू बाय डी एम बाई डी थीटा ओके तर कौन हम टू अच्छे भितर टू बाहर पड़े फोर पाए फोर पाए तो आर फर्मुला कौन आर फर्मुला हूँ कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी ये मैं हूँ ए ए टोटल बी है लिखुची इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए के कस ए माइनस बी ए कहे ओमेगा टी माइनस बी कहे कस ओमेगा टी माइनस कस ओमेगा टी प्लस फाइव तब कौन लिख पारि कस फाइव बुझेगा डट माइनस कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी ए कहे ओमेगा टी प्लस बी कहे ओमेगा टी माइनस फाइव तब कैसे आस टू ओमेगा टी माइनस फाइव डी ओमेगा टी एम आर फाइन कर इंटीग्रेशन फाइन कर लिखे यहाँ आई एम वन आई एम टू बाई फोर पाए डीएम बाई डी थीटा तम के हम एट कस ओमे फाइन ओमेगा टी ना ठीक अच्छे कस फाइव तुम कैसे आस अलग कर जीरो टू टू पाए कस फाइव डी ओमेगा टी देन माइनस माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू
टू पाई कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी ओमेगा टी ये तो अब आई एम वन आई एम टू बाई फोर पाई डी एम बाई डी थीटा तो कॉस फाइव डॉट डी ओमेगा टी तो कॉस फाइव हमर कांस्टेंट हो जइबो डी ओमेगा टी कहले ओनली ओमेगा टी तो हम केते लिखिबि एटा हमर कॉस ऑफ फाइव ओमेगा टी केवल ओमेगा टी रहिला जीरो टू टू पाई माइनस एटा हम केता देखो एटा हमर कोन हो कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव तो हम केता हमर कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव हम कोन टू एट हमर कोन मल्टीप्लाई हम टू टू डिवाइड हो जइबो एंड साइन साइन कैसे टू ओमेगा टी माइनस फाइव है लिखे वन बाय टू साइन टू ओमेगा टी माइनस फाइव के आसा जीरो टू टू फाइव ओके जीरो टू पाए साइन कल कौन आस जीरो आसो जीरो देन व्हाट हैपेन ऊपर लिखुच देखा जीवन देन टॉर्क टॉर्क ऑफ एवरेज टॉर्क और वाट मीटर इज कर देता हूं आई एम वन आई एम टू डिवाइड बाई फोर पाए डी एम बाई डी थीटा देन देखो ये ओमेगा टी तुम टू पाए जीरो पुट के था टू पाए माइनस जीरो तो ओनली टू पाए रही कॉस फाइव इंटू टू पाए तो टू टू कैंसल हो गला टू रहिला पाई पे कैंसल हो गला तो केते रहिला आई एम वन आई एम टू बाई टू डी एम बाई डी थीटा इंटू कॉस फाइव फाइव कल द एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू आप लिखिपर आई एम वन बाय रूट टू डॉट आई एम टू बाय रूट टू डॉट डी एम बाई डी थीटा कॉस फाइव ओके तम देख आई एम वन बाय रूट टू मैंने कौन मैक्सिमम बाय रूट टू कहले आर एम एस तुम लिखिपर आई आर एम एस वन आई आर एम एस टू डी एम बाय डी थीटा कॉस फाइव दिस इज द टॉर्क इक्वेशन एवरेज टॉर्क इक्वेशन फॉर ए वाट मीटर ओके नाउ सी एबे हमर कौन देख एबे हमर डी एम बाय डी थीटा इज कांस्टेंट हां कि नहीं डी एम बाय डी थीटा इज कांस्टेंट देन आई आर एम एस कहले कौन आई आर एम एस वन कहले द करेन्ट द आर एम एस करेन्ट अफ द फिक्स कॉइल तमें से कौन प्रोपोर्शनल टू आई वन आम लिखा आई आर एम एस वन प्रोपोर्शनल टू आई वन कहीपर देन देख आई आर एम एस टू आई आई आर एम एस टू कह आई टू करेन्ट आई टू करेन्ट कहते आई टू करेन्ट कहले भि डिड बै द रेजिस्टेंस अफ दिस पैरेलल कॉइल ओके आम लिखा कौन आई आर एम एस टू इज प्रोपोर्शनल टू आई टू अरम कहीपर भि बै आर ओके सप्लाई वोल्टेज आर कह द रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्रेशर कॉइल और पैरेलल कॉइल तुम कौन लिखिपर आई आर एम एस पर लिखिपर आई वन लिखिपर आई वन आई आर एम एस टू पर लिखिपर भि बै आर इंटू भि बै आर देन डी एम बै डी थीटा मुझे पर लिखुच डी एम बै डी थीटा देन कॉस फाइव देख जेहेतु आम गोटे इंस्ट्रुमेंट तैयारी सर जाने आमर आर कहले कांस्टेंट हाँ कि नहीं आर कहले द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉइल जो कांस्टेंट ये हमारे कांस्टेंट कौन कांस्टेंट देन देख डी एम बाय डी थीटा भी कांस्टेंट कहीं आमर डी एम बाय डी थीटा कह द म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा तर जो कंस्ट्रक्शन सर जाइए तो इंडक्टेंस कौन चेंज हेनी आम एम कौन चेंज हम ना तम ये कांस्टेंट दिशा कांस्टेंट है रहा किए आम रहा किए टी अटोमेटिक रहा आई वन भि कॉस फाइव दिस नथिंग बट इज द पावर तमें कहीपर
T omega is proportional to I1 V cos phi or proportional to the real power. Proportional to the real power. हैला ता माने हमर टॉर्क का डिपेंड करछ का ऊपर हमर रियल पावर डिपेंड करछ ता माने कोन हमर एज इंस्ट्रूमेंट रा टॉर्क टॉर्क माने कोन टॉर्क माने होछ रियल पावर हैला ता माने आर फर्दर डेरिवेशन और फर्दर एक्सटेंशंस हम देखैनी नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू.